तस्वीर सामने आई है बालाघाट से, और जिनको महिलाएं घेर कर पिटाई कर रही हैं वो हैं बालाघाट के तहसीलदार और टीआई साहब। महिलाओं ने घेर कर तहसीलदार साहब और टीआई साहब को इतना पीटा कि क्या बताएं। इतना ही नहीं, उनको जमकर गालियां भी दी। महिलाओं के झुंड से घिरे टीआई साहब और तहसीलदार साहब को जैसे ही बचकर भाग निकलने का मौका मिला वो फौरन वहां से भागे और अपनी जान बचाई। तहसीलदार साहब के भागने पर भी महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने तहसीलदार और टीआई को दौड़ा लिया और गंदी गंदी गालियां दी। पुलिस के ये अफसर लॉकडाउन में खुले बाजार को बंद कराने गए थे, इसी बात से लोग गुस्सा गए और अफसरों की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले पर पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ आला अफसरों की माने तो इलाके के एक हिस्ट्री सीटर के परिवार ने अधिकारियों के ऊपर हमला किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं इस मामले पर गांव वालों का कहना है कि दुकान बंद कराने आए अधिकारियों ने बिना बात कही एक नाबालिग लड़के की पिटाई कर दी। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अधिकारियों की पिटाई कर दी। वैसे लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गए अधिकारियों का भीड़ के हाथों से पिट जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जब अधिकारी बिन बात के पिट गए हों। फिलहाल अधिकारियों के साथ मारपीट करना वाकई में दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा अधिकारियों पर हाथ उठाने से पहले कोई भी हजार बार जरूर सोचे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ MP। धन्यवाद।